हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टूडियो में बात करने वाले हैं JNAFAU 2020 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। गाइस, JNAFAU 2020 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है, तो आज हम स्टूडियो में देखेंगे किस तरह से आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है। साथ ही साथ एप्लीकेशन फिल करने के लिए आपको ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज़ फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर JNAFAU 2020 के रिगार्डिंग कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी न्यूज़ आती है उसके रिगार्डिंग, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं JNAFAU 2020 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउजर पर जो है google.com ओपन कर लेना है, और google.com ओपन करते ही वहाँ पर सर्च करना है JNAFAU 2020 एप्लीकेशन फॉर्म, और आगे लिखना होगा cet.co.in। अब आप लोगों का cet.co.in लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी गाइस, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ सिंपली एक क्लिक से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसी के साथ ये वेबसाइट JNAFAU की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ भी अपडेट होती रहती है, तो आपको सिंपली इसे गूगल में सर्च कर लेना होगा। जैसे आप इसे गूगल में सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके आपको उसे ओपन कर लेना है। जैसे आप उसे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ दिखाई देगा JNAFAU 2020 एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलीज भी लिखा हुआ ब्रैकेट में, यानी कि आप लोगों का JNAFAU 2020 एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। थोड़ा नीचे आने पर आप गाइस यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह से दिखाई दे। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं JNAFAU एडमिशन 2020 एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन रिलीज। सो गाइस, इसकी जो लिंक है ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा, और यहाँ से आप डायरेक्टली जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो गाइस, अब हम एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करेंगे, यहाँ पे लिंक भी दे दी गई है। लेकिन उसके पहले एक और चीज़ आप लोगों को बताना मैं जरूर सकता हूँ, लाइक इसकी डेट जो आज ही रिलीज हुई, अभी आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है 13 सितंबर तक आप जो है विदाउट लेट फी भर सकते हैं, और 13 सितंबर के बाद जो है 5 अक्टूबर तक आपके पास और एक्सटेंड किया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, पर तभी आपको जो है 3000 रुपीज़ लेट फी भी उसके साथ साथ भरना होगा। उसके साथ BFA एनिमेशन अप्लाइड आर्ट पेंटिंग एंड स्ट्रक्चर 18 अक्टूबर यहाँ पे है, PFA फोटोग्राफी 19 अक्टूबर है, बैचलर ऑफ डिज़ाइन भी 19 अक्टूबर। यहाँ पे आपको पूरी डेट्स भी बता दी गई है। तो चलिए, अब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस पे जाते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली जो लिंक दिखाई दे रही है इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज खुल जाएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जो यहाँ पे आप न्यू पेज पे पहुंचेंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे नोटिफिकेशन पे जो क्लिक है लिखा उस पर क्लिक करना होगा। फिर आप यहाँ पे इस टाइप के पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। नीचे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मैनुअल भी दिया और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। अब जैसे आप क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप जो एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पे अभी फटाफट जो एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है, लाइक आप सबसे पहले आप लोगों को अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है। लाइक मुझे बैचलर ऑफ डिज़ाइन यानी कि इंटीरियर डिजाइनिंग चूज़ किया मैंने, यहाँ पे मुझे अपना जो है नाम डाल देना है, तो मैं अपना नेम डाल दे रहा हूँ, आपको अपना नेम डाल देना है। मैंने जेंडर मेरा मेल सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम डाल देना है, यहाँ पे मदर का नाम डाल देना है, यहाँ पे फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। तो अगर डेट ऑफ बर्थ के लिए ईयर पे डबल क्लिक आपको करना होगा, तो ईयर पे डबल क्लिक करके 10 ईयर्स का डिफरेंस आ जाएगा, तो आप आसानी से जो अपना डेट ऑफ बर्थ है उसे सेलेक्ट कर पाएंगे। लाइक आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्टेट यू बिलोंग टू, कौन से स्टेट आप बिलोंग करते हैं आपको वो यहाँ पे सेलेक्ट करने लायक, मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अभी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, मैं ईस्ट दिल्ली सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। लाइक आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको सिंपली फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि आपका जो बर्थ मार्क आपके पैदाइश के टाइम से जो भी आपके पास बर्थ मार्क है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम के रिगार्डिंग जो है डिटेल्स भर देनी है। लाइक आपने जो आपका 10+2 और डिप्लोमा एजुकेशन कहाँ से किया वो सारी डिटेल्स आपको भरनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जो बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट। उसके बाद फिर ईयर सेलेक्ट कर लेना आपको, लाइक मैं 15 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना हॉल टिकट नंबर डालना होगा। हॉल टिकट नंबर डालने के बाद गाइस आपको सिंपली यहाँ पे जो अपना परसेंटेज आया था वो परसेंटेज यहाँ पे आपको दे देना होगा। लाइक मैंने परसेंटेज डाल दिया। उसके बाद 10th क्लास में आपका कितना आया था आपको वो देना, पहले 10th क्लास आपने कौन से बोर्ड से दिया, CBSE दिया तो CBSE सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने 10th कहाँ से कौन से ईयर में पास किया वो आपको कर देना है। लाइक यहाँ पे मैं 13 सेलेक्ट किया, तो उसके बाद यहाँ पे आपको 10th का हॉल टिकट नंबर डालना होगा, और 10th में आपके कितने परसेंटेज आते हैं आपको वो यहाँ पे
सिंपली पुट कर देना होगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कास्ट सेलेक्ट करना है, लाइक ओबीसी, बीसी, एबीसी, जो भी कास्ट है आपको अपना कास्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना लोकल एरिया सेलेक्ट कर लेना है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी एरिया हो गया तेलंगाना, या नॉन लोकल अदर से जो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी बता दी कि एप्लीकेशन फी टोटल 1200 रुपीज़ है, और अगर आप एससी एसटी कास्ट से बिलोंग करते हो तो 600 रुपीज़ है। तो मैं एससी एसटी कास्ट से बिलोंग नहीं करता तो मेरी एप्लीकेशन फी 1200 रुपीज़ हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी स्टडी डिटेल्स भरनी होगी, लाइक आपने 6, 7, 8, 9, 10 डेज जो पाँच क्लास है कौन से स्टेट से दिए। तो लाइक मैं यहाँ पे जो है दिल्ली सेलेक्ट करते हो, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लूँगा। फिर उसी के बाद यहाँ पे सेम 7th क्लास के लिए भी मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जिस भी स्टेट से आप दिए हो, आप उस स्टेट आपको वो स्टेट यहाँ पे जो है सेलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पे दिल्ली से दिया हुआ, इसके लिए मैं दिल्ली सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। लेकिन अगर आप कोई और स्टेट से अपना 6, 7, 8, 9 जो क्लास आपने पढ़े होंगे तो आपको वो स्टेट यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेना होगा। और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको उसके सामने दिखाई दे रहा है सिटी भी सेलेक्ट करना है आपको, तो लाइक यहाँ पे मैं सिटी में भी दिल्ली सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। आपकी जो भी सिटी रहेगी आपको वो सिटी वहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेनी होगी। नेक्स्ट 10th क्लास की भी मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे 7th का दिल्ली सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सामने स्टेट में भी सिटी में भी दिल्ली सेलेक्ट कर लेना होगा। अब जब स्टेट और सिटी सेलेक्ट करके उसके बाद जाकर आपका इंटरमीडिएट डिप्लोमा वन आपने कौन से स्टेट से किया वो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो इंटरमीडिएट डिप्लोमा टू वो भी आपको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेना होगा। अब उसके बाद इसकी सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं इसकी सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ हवाई में, इसकी सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी, स्पेशल कैटेगरी, अगर आप एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स से या स्पोर्ट्स में थे, या फिर चिल्ड्रंस ऑफ आर्म पर्सन हो आप, या फिर फिजिकली चैलेंज पर्सन हो, अगर कोई भी हो आप, तो इसमें से आप सेलेक्ट करते हो, वरना आप नॉट एप्लीकेबल पे सिंपली आपको जो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आपके पेरेंट्स की जो है एनुअल इनकम सेलेक्ट करनी है, लाइक आपकी एनुअल इनकम जो है 1.5 लाख से कम है, या 1.5 से 2 लाख के बीच में, या फिर अबाउट 2 लाख, आपको सिंपली वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको जो अपना एड्रेस दे देना है गाइस, यहाँ पे एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस आपको अपना डालना होगा, यहाँ पे स्ट्रीट और एरिया डालना होगा आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, लाइक यहाँ पे मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको दिल्ली सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप लोगों को अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, मैं यहाँ पे ईस्ट दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे आपको सिटी या टाउन सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर यहाँ पे आप लोगों को अपना ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा, लाइक मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देना है, और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे जो अपनी ईमेल आईडी डाल देनी होगी, तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देता, लाइक एस जी एस सागर कुमार। आप लोगों को इसी तरह से अपनी ईमेल आईडी डाल देनी, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है sagarkumarprofile@gmail.com। और उसके बाद सिंपली आई हियर आई क्रॉसफुल पे जो भी आपका डिक्लेरेशन उसे फिल कर देना है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फोटोज अपलोड करना है, तो यहाँ पे आपका फोटोग्राफ अपलोड करना है जो कि 180x180 पिक्सल का होना चाहिए, और PNG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे मैंने सैंपल के लिए आपके लोगों के लिए एक फोटो भी लेके रखा है, तो आपको सिंपली आप देख सकते हैं इस तरह से आपको यहाँ पे जो है फोटो अपलोड कर देना होगा। और इसी तरह से सिग्नेचर भी आपको जो है 150x40px में आपको जो अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होगा। और हर एक चीज़ अपलोड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक डिटेल नहीं भरी थी इसलिए मेरा सबमिट नहीं हुआ, तो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। ओके, यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क भी आप लोगों को भरना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया था कि आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है भरना है, लेकिन किस तरह भरना है मैंने भरा नहीं था। तो आप लोगों को जो भी डिटेल्स है पूरी डिटेल्स इसी तरह से जो मैंने बताई सेम स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से फॉलो करके सारी के सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। और सारी डिटेल्स फिल करने के जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपने जो भी डिटेल्स भरी है वो सारी के सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे बताई जाएगी, और आपको चेक कर लेना एक बार कि वो सारी डिटेल्स सही है जाके। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक डिटेल्स मेरी जो है मैंने यहाँ पे जो भरी थी मेरी स्क्रीन पर भी बता रही है, हर एक डिटेल्स मुझे जो चेक कर लेनी है। अगर कोई भी डिटेल्स गलत है या मुझे चेंज करना है, तो उसको सिंपली मैं एडिट पे जाके आप फिर से चेंज कर सकते हैं। और अगर सारी के सारी डिटेल्स सही है, तो आपको सिंपली यहाँ पे पेन ऑन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप पेन ऑन पे क्लिक करेंगे, तो आप एक न्यू पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे आपको पेमेंट के ऑप्शन दिखाई जाएंगे। लाइक आप देख सकते हैं आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर वॉलेट, या और भी बहुत सारे तरीके से आप जो अपना एप्लीकेशन फी भर सकते हो। यहाँ पे मुझे मेरा ऑर्डर नंबर बता दिया गया है, साथ ही साथ मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे, और मेरा जो टोटल अमाउंट है वो 1200 यानी कि 1200 रुपीज़ है। तो यहाँ पे आपका कार्ड नंबर टाइप करना है, यहाँ पे मंथ और ईयर, यहाँ पे CVV और कार्ड के पीछे रहता है वो, और यहाँ पे नेम ऑन कार्ड टाइप करके आपको सिंपली मेक पेमेंट करके अपना पेमेंट कर लेना है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो गाइस वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद अपना प्रिंटआउट आसानी से निकाल सकते हैं। सो गाइस आई होप कि अभी आप लोगों को JNAFAU 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म बनने में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर फिर भी कोई भी इशू फेस होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बोले, मैं जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अगर इस वीडियो के माध्यम से आपका एप्लीकेशन बनने में हेल्प हुई हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स।